मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे अभी आने बाकी हैं। मतगणना के रुझानों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बहुमत हासिल करती दिख रही है। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे चल रहा है। चार राज्यों में चुनावी नतीजों की घड़ी आ चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सत्ता बचाने का सवाल है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को वापसी की आस है। मतगणना के रुझानों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर मतगणना जारी है। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सूबे की 90 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर तो दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी। यहाँ वोट प्रतिशत 76.31% रहा था, जो साल 2018 के मुकाबले थोड़ा कम था। एग्जिट पोल के मुताबिक सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बता दें तो मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए 17 नंबर को वोटिंग हुई थी। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द पीपल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किस राज्य में कौन सी पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी।